तो देखो बच्चों, यहाँ से देखो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। एक्स एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के इक्वल है। तो ए साइन थीटा, समझ में आया, जो अकेले साइन थीटा होता है वो एक एंगल है, एंगल डाइमेंशनल लेस होता है, ठीक ना। ये साइन थीटा पूरा डाइमेंशनल लेस होता है, क्योंकि साइन थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी लेंथ है, एल भी लेंथ है, एल नॉट आ जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा डायमेंशनल लेस है और कॉस थीटा भी डायमेंशनल लेस है। टेन थीटा ये जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये सब डायमेंशनल लेस है, एल नॉट मतलब वन के बराबर है। तो इसका मतलब इसको मैं साइन थीटा को वन लिख दूँ, बी कॉस थीटा को वन लिख दूँ, तो ये बी और ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी वॉट एवर जो भी होगा, वॉट एवर जिसका कुछ भी होगा ए प्लस बी, तो इसका डायमेंशन कुछ भी होगा, तो ऊपर जितना डायमेंशन बचेगा नीचे कुछ भी हो, एल हो टी हो कुछ भी हो, तो ये इसको काट दिया तो पूरा डायमेंशनल लेस आ गया, एल नॉट टी नॉट एम नॉट आ गया, ठीक ना। तो एक्स क्या है, डायमेंशनल लेस आ गया। एक्स क्या है, एल नॉट एम नॉट और टी नॉट आ गया, डायमेंशनल लेस आ गया, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन सही है। थैंक यू।